बार और आए थे कहीं उधर, आज ये दूसरी बार है जो कायदे से है। इस बार तो इतना रंगा चुंगा है, देखते बन रहा है। और बच्चों ने आरंभ में भजन बहुत अच्छा सुनाया। गुरु महाराज के समय में डॉक्टर राम कुमार बर्मन जी और काफ़ी लोग आया जाया करते थे। तब हम गुरु महाराज के पास खड़े होके पंखा चलाया करते थे, झाड़ू लगाया करते थे। तब वो लोग हाथियों से घोड़ों से आते जाते थे। वियावान जंगल था तब, अब तो बिगड़ गया। हमें लिखित कहा गया है कि कबीर ही सुना। भारत में जितने भी महापुरुष हुए हैं प्राप्ति वाले, उन सब की वाणी एक है, चाहे प्रकांड विद्वान रहे हों और चाहे अंगूठा छाप। क्योंकि भगवान एक, प्राप्त करने की विधि एक, रास्ते में विभूतियां जो मिलती वो एक और परिणाम एक, तो भला दूसरा क्या कहाँ से देगा। जिन्होंने ईश्वर पथ में जितने भी प्राप्ति वाले महापुरुष हुए हैं, उन्होंने कभी समाज में दरार नहीं डाली, ऊंच नीच की दीवारें नहीं खड़ी की। ये दीवारें उनकी, उनके हृदय की उपज है। गद्दी तो गुरुओं की पागे रहे, अंगूठा है असंयमी रीत रिवाज, वो एक प्रत्यक्ष दर्शन है। ईश्वर पथ में किसी कुलीनता का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कुलीन भी हुए और जो फुटपाथ पर फेंके मिले वो भी चोटी के महापुरुष हो गए। श्रृंगेरी ऋषि मृगों के झुंड में पड़े मिले थे। भरद्वाज ऋषि एक नवजात शिशु बक्से में बैठा हुआ मिला, वरुण ने पाला। वरुण उस टाइम केवट की कलान थी। महाराजा भरत ने गोद लिया, अपने बच्चों को अयोग्य समझा, नविया बारा थे, और उसको होनहार समझा, अभिषिक्त किया, राज्याभिषेक भी किया, किंतु सब कुछ छोड़कर चले आए। संत हो गए भरद्वाज ऋषि, आपके प्रयाग के सर्वोपरि महापुरुष हुए। बगैर भोजन की अगवानी कर दी भरत की ये पावन तीर्थ में, और सर्वोपरि किसी महापुरुष का उल्लेख है तो उनका। हनुमान, वशिष्ठ, विश्वामित्र, परशुराम, वेद व्यास, सुखदेव, नारद, सब कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा, लेकिन ब्रह्म ऋषि भी। ठीक इसी प्रकार संत कबीर, काशी नगरी में एक लहर तालाब है, वहां फेंका हुआ एक नवजात शिशु मिला। नीरू जुलाहा और नीमा माता उधर से निकली, उनके कोई संतान नहीं थी। ची ची सुनाई पड़ी बच्चे का रुदन, बहुत खुश हुए, उठा लिया, बड़े सने से पाला। भारतीय मर्यादा, भारतीय परंपरा के अनुसार कहीं हरिजनों में, कहीं चमरोटी में वो जन्म लेता तो फेंकने का प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि वैद्य है, बच्चा तो बच्चा है। लगता किसी सुलक्षणा से ऊंचे खाले पांव पड़ गया। लोक मर्यादा के लिए माता कुंती को कर्ण बहाना पड़ा, किसी ने बहा दिया, पाल पोस के बड़ा हुआ। कुरान से उसका नाम रखा कबीर, लेकिन लड़के ने जब बहुत संभाला तो मंदिर मंदिर लगा घूमने। आस्ते आस्ते फिर जब वहां रस नहीं मिला तो संतों की कुटीर पर जाने लगा, इस कुटिया से उस कुटिया।
स्वामी रामानंद जी की आश्रम में उन्हें कबीर का मन लगने लगा, बहुत प्यारा लगा। रोज जाके वहाँ खड़ा हो जाए, लोग झिड़क के भगा दें, जुलाह बड़ा ढीठ है, जब देखो तब यहाँ दरवाजे से चिपका मिलता है, भाग भाग यहाँ से। तब कबीर ने देखा गुरुदेव की ये दिनचर्या क्या है, तो सुबह ब्रह्म वेला में गंगा अवगाहन करने जाते हैं, इन सीढ़ियों से उतरकर रात को 4 ही बजे वो सीढ़िया में लेट गया। गुरुदेव जब आए चरण पड़ा पेट पर, तो झुक के उठाते हुए बोले, बेटा राम राम कहो, बेटा राम राम कहो। हाँ गुरु महाराज, राम राम गुरु महाराज, राम राम मंत्र पागे। अरे कबीर तू? बोले हाँ गुरु महाराज। बड़ी प्रबल इच्छा थी आज मंत्र पागे। तो तुम बहुत लगनी हो, तुम आओ आश्रम में, अब तुम्हें कोई नहीं भगाएगा। हो गया एडमिशन। रामानंद जी के हजारों शिष्य थे, किंतु सर्वोपरि की लिस्ट में आया तो कबीर, रैदास और एक और थे विशुद्धानंद करके। तो भगवत पथ में केवल भक्ति का रिश्ता चलता है, और वो किसी बाह्य वर्ण की माता पिता की कुलीनता का वहाँ कोई स्थान नहीं है। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भक्ति कर नाता। सबरी ने कहा प्रभु मैं अधम कोल किरात, अधम से अधम अधम यति नारी, तिन में मति मंद अगारी। अधम कोल किरात, उससे भी अधम हूँ नारी, उससे भी अधम हूँ मति मंद। भगवान ने कहा कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भक्ति कर नाता। मैं केवल हे सबरी केवल भक्ति का रिश्ता मानता हूँ, भक्ति के 9 कर्म उन्नत सोपान है, एक जिसके पास है वो मुझे प्राणों के समान प्यारा है। सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, सभी विधियों से भक्ति तुम्हारे पास परिपूर्ण है, तुम मेरे धाम जाओ। कबीर को गुरु महाराज मिल गए। कबीर सर्वोपरि निकले। कबीर ने अपने जो कुछ हृदय में उपलब्धि की थी, उनके चिंतन का नाम राम था, उनके आराध्य राम थे। कबीर एक सगुण उपासक थे। तो जीव शिव सब प्रगटे, वे ठाकुर वे दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। इधर अपार जीवों की श्रृंखला, इधर शिव कल्याण तत्व की मान्यता, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। आशावान है तो राम नाम से, जे जन भीजे राम रस, विकसित कबहुन रूख अनुभव भावन दर्शिए, तेही नर सुखन दुख। जो कोई भी जन राम के रस में सराब बोर हो गया, भिन गया, वो सदा विकसित रहता है। कबहुन रूख, उसके जीवन में उदासी कभी आती ही नहीं। किंतु क्या प्रमाण है कि हम राम रस में सराबोर है? तो अनुभव भावन दर्शिए, तेही नर सुखन दुख। हमारे भावों के प्रवाह के साथ अनुभव ने दिखाई पड़े तो उस नर के लिए न सुख है और न दुख है। भव कहते हैं संसार को, अन कहते हैं अतीत को। संसार से अतीत करने वाली विशेष जागृति जिसका नाम है अनुभव, वो है जिस परमात्मा की हमें चाह है, जिस सत्य पर हम बैठे हैं, हमारी पुकार ऐसी हो प्रभु उतर आए, आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाए और हमारे संकल्प की लहर के साथ रोक थाम करे, बेटा अब गलत चिंतन, अब सही, इधर चल उधर चल। हमारे भावों के प्रवाह के साथ यदि प्रभु रोक थाम न करे, तेही नर सुख न दुख। उस नर के लिए न सुख है न दुख है, वो परवेशिका के लिए प्रयत्न अवश्य है लेकिन राम नाम में सराबोर नहीं। उनके चिंतन का नाम राम था,
राम नाम में कुछ कठिनाइयां भी थी, लेकिन यदा कदा वो राम नाम जिन चीनिया झीना पिंजर तासु, रैन ने आवे नींदरी अंगन जामे मांसु। राम नाम को जिसने पहचाना उसका पिंजर झीणा हो जाता है, न तो दिन में कायदे से भूख लगती है और न रात में कायदे से नींद आती है। भरत की ये दशा थी, भूख न वासर नींद न राती, अर्थात लगन लग जाती है। और लेकिन यदा कदा खंडन भी किया, पंडित वाद वदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खंड कहे मुख मीठा। पंडित व्यर्थ बकवास करते हो, कहते हो राम 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 कहो गति मिल जाएगी। यदि राम राम कहने से गति मिल जाए तो खांड खांड कहने से मुंह मीठा क्यों नहीं होता। पावक कहे पाम जो डाहे, जल कहे तृषा बुताई, भोजन कहे भूख जो भाजे तो दुनिया तरी जाए। पावक अग्नि कहने से पाँव जल जाए, भोजन कहने से भूख मिट जाए, पानी कहने से प्यास मिट जाए, तब तो दुनिया तर जाएगी। भला आपका राम नाम है कैसा, तो नर के संग शुआ हरि बोले, हरि परतापन जाने, जो कबहू उड़ी जाए जंगल में तो हरि सुरति ने आने। मनुष्य के संग से सुगा पिंजड़े में हरि हरि ओम ओम शिव शिव खूब जपता है, कदाचित फटकी खुली रह गई, उड़ चला तो अपने साथियों में मिलके तीन ही दिन में टाई टाई करने लगता है, फिर वो हरि की स्मरण कभी नहीं करता। तो आपका राम नाम वैसा ही है, तोता रटंत जपते भी हो, थोड़ी सी मुसीबत आए बोले हे प्रभु हे दीन बंधु, बच्ची का बुखार उतर जाए, शादी ठीक हो जाए, प्रमोशन हो जाए, फिर टाई टाई शुरू। और कहीं उधर प्रमोशन मिल गया तो भूल गए राम नाम, वो तो फल मिल चुका है, अब हमें कमी क्या जो हम पुकारे। और बिनु राम नाम एक दर्शन है, बिनु देखे बिनु दर्श परस बिनु नाम लिए क्या हुई, धन के कहे धनिक जो होवे निर्धन रहे न कोई। मनुष्य बगैर देखे बगैर दर्शन और स्पर्श किए केवल नाम लेने से क्या होता है। धन के कहने से कोई धनवान हो जाए तो सृष्टि में निर्धन कोई रहे ही ना। अर्थात राम नाम के साथ भगवान का दर्शन और उनका सहयोग उनका प्रेरणा स्रोत अनिवार्य है, वो एक प्रत्यक्ष दर्शन है। अंत में कहते हैं साची प्रीति विषय माया सो हरि भगतन का फांसी, कहे कबीर एक राम भजे बिनु बांधे यमपुर जासी। सच्ची प्रीति हार्दिक लगाव तो विशेष है माया से, हरि भक्ति में यही एक रुकावट है फांसी है। कहे कबीर एक राम भजे बिनु बांधे यमपुर जासी, कबीर का कहना है एकमात्र राम का भजन नहीं करोगे नाम नहीं जपोगे तो बरबस जकड़ कर बांध कर यम लोग पहुंचा दिए जाओगे। आखिर ये महापुरुष कहना क्या चाहते हैं, जिस भजन की शुरुआत में जी जान से राम नाम का खंडन किया उसी भजन के अंत में उतने ही जोरों से राम नाम का समर्थन किया, ये चाहते क्या है। वास्तव में राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है कहीं पत्थर है, इतना बड़ा 24 घंटे रगड़ किया कुछ कंकड़ हाथ लगे क्या करोगे, जहाँ कीचड़ होगे पीठ पाड़ दोगे। उतना ही श्रम किया और हीरे हाथ लगे, दो एक नगीने भी काम के हैं असली हैं, तो सवारी साधन घर द्वार शोरूम फैक्ट्री सब हो जाएगा, क्योंकि रतन की कीमत ही करोड़ों में होती। उतना बड़ा अंतर, एक ही नाम को चार श्रेणियों से जपा जाता है, और पहले प्रथम कक्षा होती वेखरी, फिर मध्यमा, फिर पश्यंती और परा। परा के पूर्ति काल में परम का स्पर्श के साथ नाम भी शांत हो जाता है, लेकिन साधना की जागृति तब है
कि अनुभव भावन दर्शिए तिहनर सुख न दुख, हमारे भावों के प्रवाह के साथ हम नाम सही जप रहे हैं कि गलत, श्रद्धा से है कि उलुल जुलुल, भटकते हुए मन से जप रहे हो, भगवान रोकथाम करें, योगक्षेम करें, तभी ये जागृति है भजन की। इसलिए खंडन किया, नहीं कि नाम नाम का खंडन, जागृति पर बल दिया, प्राइमरी ही पढ़ते मत रह जाना। कबीर के आराध्य राम भगवान कहते हैं, बहुत दुख दुख की खानी तब बची हो जब राम ही जानी। बहुत दुख असह वेदना, सच पूछो तो ये दुख की खादान है। कोयले की खान में जितना गहरे प्रवेश करो, कोयले की क्वालिटी अच्छी मिलेगी, और क्या मिल जाएगा जब दुख की ही खादान है। जितने धंस के देखो उतना ही दुख बड़े पैमाने पे मिलेगा, जब खदान ही दुख की है। पूर्व महापुरुषों ने कहा, वैदिक ऋषियों ने, दुखालयम अशाश्वतम, संसार दुख का एक घर है, क्षण भंगुर है, नश्वर है। और कबीर का कहना है, बहुत दुख असह वेदना, बहुत दुख दुख की खानी तब बची हो जब राम ही जानी। अवश्य बच जाओगे, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो जाओगे जब राम को जान लोगे। आराध्य राम परस्पर लोग कुशल पूछते रहते हैं, कहो भैया कुशल है, दद्दा क्या हाल है, कुशल है। बोले बचवा मामूली कमर में दर्द है, लड़का बड़ी सेवा करता है, पतोहिया बड़ी होनहार है। और दद्दा बोले कि अब तो वृद्धा पेंशन भी मिलने लगी, नाती का आगम है, वो लड़के की माई कहत रही ओकर मुहुआ देख ले, ये सुख वो सुख वो सुख। कबीर कहता ही सुख नहीं, कुशल कहत कहत जगविन से कुशल काल की फांसी, कहे कबीर करम भजे बिनु बांधे यम पुर जासी। कुशल है, बोले प्रमोशन हो गया कुशल, इतना फायदा हो गया कुशल, लड़के हुए नात हुआ कुशल, ये कुशल वो कुशल। कबीर कहता ये कुशल नहीं, ये काल का फेंका हुआ फंदा है। पहले अपने में उलझे, फिर लड़कों में उलझे, नात में उलझे, पनात में उलझे, इतने में आयु के दिन पूरे हो गए। जिस कमी के लिए दुर्लभ मानव तन मिला, हाँ उसके लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं। और प्राण पखेरु उड़ गए, फिर सोईपुर पाटन बहुरी ने देखा आई, फिर वही अर्जित की हुई वो हमारी इज्जत प्रतिष्ठा सामग्री लौट के कोई नहीं देखता। कबीर कहता ही धोखा, कुशल कहत कहत जग विन से, हम कुशल कहते जा रहे हैं, जगत हमारे हाथ से खिसकता जा रहा है, आयु क्षीण होती जा रही है, तो ये कुशल नहीं। कुशल काल की फांसी तो भला कुशल है कहाँ, कहे कबीर करम भजे बिनु बांधे यम पुर जासी। एकमात्र राम का भजन नहीं करोगे, बरबस जकड़ कर यम लोक पहुंचा दिए जाओगे। आराध्य राम चिंतन का नाम राम, कबीर की वाणी हटा तो समझ में नहीं आती, इसलिए लोगों ने कह दिया वो तो निर्गुण कथन कर गए। भैया वो तो उलटवासी है, उलटवासी का तात्पर्य होता है आप कहो वो सही, हम कहें वो सही, कोई कुछ कहता वो भी सही। मान लो हमें काशी जाना है तो पूरब जाओ, पश्चिम जाओ, उत्तर जाओ, दक्षिण जाओ, सब सही। कदाचित हम पश्चिम को चल पड़े तो इस जन्म में काशी नहीं पहुंच पाएंगे, भला जीवन में इससे बड़ा अनर्थ क्या होगा। अर्थ उसे कहते हैं भटके हुए पथिक को ठीक प्रशस्त पथ पर खड़ा कर दे और समस्त अनर्थों से बचा ले। कदापि उलटवासी नहीं, सीधा सटीक बात से, किंतु वो जानते थे मैं जिस छिपाकर जिस वैदिक तथ्य को प्रस्तुत करता हूँ इसको समझने की क्षमता सब में नहीं हो सकती। जिनमें क्षमता थी वो थे संत,
कबीर के 95% पद ऐसे हैं, कहत कबीर सुनो भाई सब, कबीर कहते हैं और संतों सुनो। वो जानते थे जिस ऊंचाई की मैं बात कहता हूं इसको समझने की क्षमता सब में नहीं हो सकती, जिनमें क्षमता थी वो थे संत। कबीर के पद ही कुछ ऐसे हैं, बूझो पंडित अमृत बानी, बरसे कंबल भींजे पानी, लोकी बूढ़े सील उतराए, मछली धर के बकुलवाई खाए, धरती वर्षे सूरज नहाए, ओरिया का पनिया बर रिया जाए, तर भई घड़ा ऊपर पनिहारी, बुझो बुझो पंडित अमृत बानी, बरसे कंबल भींजे पानी। कंबल बरसता है, पानी भीजता है, पनिहारी नीचे हो, घड़ा ऊपर, घड़ा नीचे और पनिहारी ऊपर है, क्या बवाल है। वो जानते थे ये अनर्गल नहीं, एक साधना की लड़ी कड़ी, मृत्यु से परे अमृत तत्व को दिला देने वाली वाणी है, कोई ज्ञाता हो तो समझो। तो हठात समझ में नहीं आती तो लोगों ने उलटवासी भी कह दिया और निर्गुण कथन कह दिया। जिनमें समझने की क्षमता थी जानते थे मैं इतना छिपाकर प्रस्तुत कर रहा हूं, इसको समझने की क्षमता सब में तो नहीं हो सकती, इसलिए कोई पंडित ज्ञानी अवधू बेगम देश हमारा और कहत कबीर सुनो भाई साधु। संतों कोई अवधूत और कोई विरला पंडित ज्ञानी, उनको उद्देश्य बनाकर संत कबीर ने अपनी वाणी का प्रसारण किया, क्योंकि वो उस पद के पथिक हैं, क्रमशः चलते हुए उस ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे जिस ऊंचाई का वो चित्रण कर रहे हैं कबीर अपने पदों में, तो उनके सामने वही दृश्य होगा, वही वातावरण होगा, वो जान जाएंगे कि उन कबीर साहब ने जब कहा था तो उनके मनोगत भाव क्या थे। कबीर सगुण उपासक थे, साहिब का घर दूर, लंबी पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे राम रस, गिरे तो चकनाचूर। साहेब परमात्मा का घर कहीं बहुत दूर, अपने नीचे खड़ा है, उदाहरण दिया खजूर का, जैसे लंबा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे राम रस, गिरे तो चकनाचूर। भगवान अलग, अपने अलग, और चढ़ना और गिरना लगा ही हुआ है। चढ़े तो रामरस प्राप्त करेगा, अवश्य करेगा, और गिर गया तो चकना चूर, इतना बड़ा खतरा। आप ही विचार करें कि सगुण उपास्य के और क्या लक्षण होते हैं, यही तो कि भगवान अलग हो, हम अलग और शोध बाकी हो। कबीर चिंतित थे माया से, माया महाठगनी में जानी, तिरगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। पराक्रम कितना, सिंगी की भिंगी कर डाली पारासर के, उधर बिदार रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, सतत सावधान और रास्ता चलने वाला कबीर। एक राम ने भजोगित बांध के यमपुर, कबीर एक सगुण उपासक थे, किंतु साधना की पूर्ति काल में, उपदर्शन स्पर्श और स्थिति काल में जो संतों की उपलब्धि होती है रहनी, वो निर्गुण है, वो गुणातीत थे। निर्गुण एक स्थिति है, निर्गुण एक अवस्था है, न कि उपासना। निर्गुण नाम की उपासना भारत में कभी थी ही नहीं, ये तो वाणी न समझने आने के परिणाम है जो चर्चा का विषय बन गया। पूरा सब जानते हैं कि तुलसीदास जी सगुण उपासक थे, तिलक लगा के, ठाकुर जी को गले में लटका के, हाथ में माला लेके बरसों घूमते रहे, और आंखों में आंसू थे, कंठ पर प्रभु की प्रार्थना थी कि हे हरि कबहू करहनी रहूंगो, परुख बचन अति दुसह श्रवण सुनी, तही पावक न दहूंगो। हे प्रभु मैं भी कभी रहनी रहूंगा, अब शब्द सुन के जलूंगा नहीं, संत स्वभाव ग्रहण करूंगा, संत स्वभाव गहूंगो, प्रभु
अपने चरणों में प्रेम के चेहरे से मेरे मन को चिपका दे। भाग जाता हूं, मन के विकार साथ साथ चलते हैं। विकल तुलसीदास, किंतु जब पाया तो किस रूप में, जो निज मन परिहरि विकार, तो कत द्वेत जनित संस्कृति दुख संशय शोक अपार। जो मन विकारों का त्याग कर दे तो भला द्वेत से उत्पन्न अपार संस्कृति का दुख अपार शोक भला क्यों पीछा करे। अर्थात जब तक द्वेत है अपार संस्कृति का दुख है, शोक है, संताप। भक्ति की परिभाषा देते हुए कहते हैं गोस्वामी जी, रघुपति भक्ति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जो जाने जे ही बनी आई। भगवान की, राम की भक्ति करने में कठिनाई, कहने में बड़ी सुगम, करनी अपार, वही जानता है जिससे करते बन गई। फिर बताया कि सफरी सनमुख जल प्रवाह, सुरसरी बहे गज भारी, जो जही कला कुशलता कहाँ सोई, सुगम सदा सुखकारी। छोटी सी मछली जल के धारा का सहारा पाकर, समुद्र की मछलियाँ हिमालय की चोटी चढ़ जाती है, छत से गिरते हुए पानी का सहारा पा जाए तो मछली छत पर चढ़ जाती है, कारण कि तैरने की कला जानती है। और दुर्धर्ष हाथी बह जाता है धारा में, उलट पुलट के मर भी जाता है। भक्ति एक कला है। अंत में भक्ति के परिणाम में क्या है, सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवे निद्रा तजी योगी, सोई हरि पद अनुभवे परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। संपूर्ण दृश्य को हृदय में रखकर, निद्रा का परित्याग करके योगी शयन करता है, सोता है, वही हरि का पद अनुभव करता है, जो परम सुख है। कैसा है हरि का पद, अतिशय द्वैत वियोगी। एक तो द्वैत वियोगी कि हम द्वैत को नहीं मानते, अतिशय द्वैत वियोगी जहां द्वैत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सकल दृश्य हृदय में रखो, ये झाड़ पहाड़ मकान कारोबार, सूर्य चंद्रमा ग्रह उपग्रह सब हृदय में कैसे रख लोगे। एक ईंट का रोड़ा रख दो हृदय में तो कल मृत्यु हो जाएगी। वास्तव में दृश्य क्या है, तुलसीदास कह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। तुलसीदास जी का कथन है, चिद का पट पसार ही जगत है, चिद का विस्तार ही जगत है। किंतु ये बात समझ में आते आते ही समझ में आती है अभ्यास से। चित्त को दृश्य प्रपंच से समेट कर हृदय देश में जहाँ स्थिर किया तो दृश्य का संबंध विच्छेद हो गया, सकल दृश्य का कारण हृदय में स्थिर हो गया। सकल दृश्य निज उदर मेली, दृश्य प्रपंच से चित्त को समेट कर हृदय देश में स्थिर निरोध करके, सोवे निद्रा तजी होगी। भगवान कृष्ण कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृतो संयमी। इस जगत रूपी रात्रि में सभी प्राणी अचेत पड़े हुए हैं, संयमी पुरुष जाग जाता है। गोस्वामी जी का कथन है कि यही जग जामिनी जागई जोगी, विरति विरंची प्रपंच वियोगी, मोह निशा सब शोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। मोहरूपी रात्रि में सब लोग अचेत पड़े हुए हैं, रात दिन जो दौड़ धूप करते हैं मात्र स्वप्न देखते हैं। ये सपना घड़ी दो घड़ी का जो रात में देखते हो, ये 70-80 साल का और क्या, फिर तो सपना ही हो जाता है। अगले जन्म में और ही माता पिता, और ही इज्जत प्रतिष्ठाएं, और ही विकास। तो मोहरूपी निशा में सब सोए हैं, किंतु दृश्य प्रपंच से चित्त हृदय में समिट गया तो इस जगत रूपी रात्रि की मोह निशा की अचेता अवस्था से सदा के लिए जाग जाता है। फिर वो मोह निशा में नहीं सोता, जगत की अचेता अवस्था में कभी अचेत नहीं होता। तो और निद्रा तो त्याग दिया, अचेता अवस्था तो त्याग दिया, सोता वही है जिसको चिंता नहीं हो।
फिर आत्मस्वरूप में सदा के लिए प्रतिष्ठित हो जाता है। न पीछे कोई संस्कार है उसमें उद्वेग पैदा करे, आगे कोई सत्ता है जिसके वो ढूंढे, जिसकी कामना करे, शांत स्थिति पा गया, अपना स्थान पा गया, अचल पद पा गया, तो सोवे निद्रा तजी योगी, वो सदा के लिए शयन करता है। आगे फिर आत्म कोई स्वरूप नहीं धारण, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सोई हरि पद अनुभवे परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी, वही हरि के पद का अनुभव करता है, वो हरि का पद परम सुख है। कैसा है हरि का पद? अतिशय द्वैत वियोगी। एक तो द्वैत वियोगी कि हम द्वैत को नहीं मानते, अतिशय द्वैत वियोगी जहाँ द्वैत का आभास भी नहीं। तुलसी कबीर कहता है हाँ द्वैत का आभास भी नहीं। श्री हरि कृपा संत समागम पाइए, सपने नहीं दुख द्वैत दर्शन बात कोटि को कहे। हरि की असीम अनुकंपा से संतों का समानांतर स्तर मिलता है, सपने में भी द्वैत का आभास नहीं है, करोड़ों दलील कौन देता फिरे। कबीर सगुण तुलसीदास सगुण उपासक हरि का पद पाया तो अतिशय द्वैत वियोग में, और इससे पहले है अपार संस्कृति का दुख है, अपार संशय और अपार शोक है, फिर अतिशय द्वैत वियोग में सदा रहने वाली शांति और स्थिति। कबीर जब चलते चलते विकल और विरही कबीर जब लक्ष्य पर पहुंचा ठिकाने, तब उसने निर्णय दिया अवधू वेगम देश है मेरा, मेरा देश अचिंत्य है, अगोचर है, इंद्रियों से अतीत, बुद्धि से अतीत, वही मेरा देश, वो है एक परमात्मा। अवधू वेगम देश है मेरा, तहां नहीं उपजे मरे नवीन से नहीं न काल का फेरा, वहां उत्पत्ति नहीं, मृत्यु नहीं, क्रमशः क्षीण होने की प्रक्रिया नहीं, तहां नहीं ईश्वर जीवन माया पूजक पूजन चेरा, वहां ईश्वर नहीं है, जीव नहीं है, पूजने योग्य कोई सत्ता नहीं है, पूजने वाला कोई पथिक नहीं है, कौन पूजा करेगा और किसकी करेगा। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो नहीं ता द्वैत बखेड़ा, कबीर कहता संतों ध्यान दो, वहां द्वैत का बखेड़ा नहीं है। तुलसी कहते हैं द्वैत का आभास नहीं है, सपने नहीं दुख द्वैत दर्शन, और कबीर कहता द्वैत का बखेड़ा नहीं है। हर महापुरुष सगुण से चलता है, अंत में जो स्थिति पाता है तो गुणातीत में, इसी का नाम है निर्गुण। निर्गुण एक स्थिति है, न कि कोई साधना। साधना जब जब चलती है तो सगुण से ही चलती है, कबीर का विरह और अनुराग से ही चलती है, और वो सगुण उपासना भी तब है। निर्गुण रूप सुगम अति, इधर सर्टिफिकेट मिल गया बस हो गया, अत्यंत सुगम दर्शन स्पर्श के पश्चात स्थिति, तो निर्गुण रूप गुणातीत हो गया। निर्गुण रूप सुगम अति सगुण न जाने कोई, सगुण अगुण नाना चरित्र सुन मुनि मन भ्रम होई, सगुण कोई जानता ही नहीं। सगुण और निर्गुण को लेकर बड़े बड़े मुनियों के मन में भी भ्रम हो जाया करता है। सगुण तब से है जब हृदय से प्रभु जागृत हो जाएं, सदगुरु मार्गदर्शन करने लगे। आप स्त्री हो अथवा पुरुष, भजन शरीर नहीं करता, शरीर तो एक मकान मिला है, कुटीर मिली है। भगवान राम ने कहा बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे पर लोक समारा। बड़े भाग्य से सारे प्रजाजनों सुनो, भगवान राम ने तीन सभा बुलाई थी राज्याभिषेक के पश्चात, तो एक सभा में बोले सारे जनपद के नागरिकों सुनो, बड़े भाग्य से मानवतन मिला है, ये साधन धाम। बांदा जिला में कहें पंडित जी क्या हो रहा है, बोले महाराज मैं साधन जुटा रहा हूँ, मतलब आटा भाटा रोटी का प्रबंध कर रहा हूँ जंगलों में,
और काशी में पूछें क्या कि कैसे आए, बोले साधन से आ रहा हूँ, अर्थात बस टेम्पू से आ रहा हूँ। वो बस टेम्पू और आटा भाटा नहीं जुटाना नहीं, वो वह साधन जो मोक्ष प्रदान कर दे। मुक्ति के लिए आपको जो चाहिए, श्रद्धा, समर्पण, इंद्रिय समन, मन का दमन, उसके लिए ये साधना की जागृति, सब कुछ भगवान ने सजा कर संवार कर तब इस तन को जन्म दिया है कि साधन धाम, धाम माने निवास स्थान, आपका घर, शरीर एक मकान है, केवल मकान है। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक समारा। ऐसे दुर्लभ तन को पाकर जिसने निजी परलोक नहीं समारा, शो परत्र दुख पावई, शिर धुनि धुनि पछताई, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाई। अपना ही निजी परलोक नहीं संवार लेता, जन्मांतरों में दुख पाता है, शिर धुन के पछताता है, काल कर्म ईश्वर को व्यर्थ दोष देता है। यदि मनुष्य तन उपलब्ध है तो सब दोष उसी का। मनुष्य दो तीन बहाना किया करता है, समय अनुकूल नहीं काल को दोष देना, भाग्य में लिखा नहीं कर्म को दोष देना, करते धरते भगवान है कराते ही नहीं हम क्या करें, उनके बिना तो पत्ता नहीं हिलता, वो हिलाते ही नहीं हम क्या करें। किंतु परमात्मा राम स्वयं कहते हैं कि काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, व्यर्थ दोष लगाता है। अर्थात प्रभु राम के अनुसार मनुष्य कर्म कर्मों का निर्माता है, कर्मों का गुलाम नहीं, दास नहीं। ये प्रश्न अलग, हमने बताया कि साधन धाम शरीर एक आपको निवास मिला है, भजन शरीर जड़ है, कभी बालक था प्रौढ़ हुआ, बाल पक गए, आंखों से कम दिखाई देने लगा, क्या है ये, ये कदाचित चलाई गया तो दूसरा घरौंदा मिल जाएगा, ये वस्त्र छूटा दूसरा वस्त्र कैचुल तैयार। भजन जब भी पार लगा है, माताओं से अथवा पुरुषों से इष्टोन्मुखी लगन जागृत हुई, उसने भजन करवा लिया, लो रूपी लड़की, इष्टोन्मुखी प्रवृत्ति, प्रेममयी प्रवृत्ति, वृत्ति में प्रेम का जहाँ प्रवाह आया तो सृष्टि में कोई जन्मा ही नहीं कि उसको भटका दे। मीरों को जहर दिया, शूली की सैया दी, देश निकाला, उसका मंदिर गिरा दिया, भगवान को उठा के कुएं में फेंक दिया, और सास तो इतनी बिगड़ी कि कुल में कलंक पैदा हो गई, लेकिन उस कुलवंती सास को कोई नहीं जानता। मीरा की वजह से आज सास जी भी याद की जा रही है। लोग कहें मीरा भाई बावरी, तो सास कहें बावरी नहीं, सास कहे कुल नासी, नष्ट करने आ गई। प्रहलाद नहीं हटाए जा सके, जिसमें लगन जागृत होगी नहीं हटाया जा सकता। तो माता मीरा मदालसा जिससे भी पार लगा है भजन, पुरुषों से तुलसी, सूरदास, कबीर, अनंत काल से सप्तऋषि इत्यादियों से लेकर जिससे भी भजन पार लगा है, इष्टोन्मुखी लगन जागृत होगी, उसने भजन करवा लिया, लो रूपी लड़की। कबीर के चिंत इसलिए, पन घट पे गगरिया फूटल हो, कबीर के भजन कहीं चेतावनी, अचेत पड़े हुए प्राणियों को सचेत जागरूक करने वाली वाणी, चेतावनी, कहीं साधना का आरंभिक स्तर, कहीं मध्य स्तर, कहीं रिद्धियां सिद्धियों का प्रादुर्भाव, कहीं के प्राप्ति, कुछ भजनों में प्राप्ति के पश्चात संत की रहनी का चित्रण है। ये भजन है चेतावनी का, पन घट पे गगरिया फूटल हो, कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो, तो पन घट पे गगरिया फूटल हो, कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो। पनघट संसार एक समुद्र है, भव सिंधु अगाध पड़े नरते, पद पंकज प्रेमन जे करते। संसार एक समुद्र, संसार एक भव सरिता, अनंत योनिय भोग भोगने के लिए है। पशु पक्षी देवता
देवता भी इस मानव तन से आशावान है। शुर दुर्लभ सदग्रंथनी गवा, दुर्लभ तन मिला है, देवताओं को दुर्लभ है, देवता जानते हैं। पुण्य क्षीण होगा तो मृतलोक में गिरना पड़ेगा। तो प्रभु कदाचित हम गिरें तो दुर्लभ ये मानव तन मिले। एक बार इंद्रपद से इंद्रच्युत हुआ, अजगर हुआ, युधिष्ठिर से मिला वनवास काल में, एक बार भेड़ा हुआ, गिरगिटान हुआ, देवता जानते हैं। इधर क्षीणे पुण्य मृतलोकम विसंति, इधर पुण्य क्षीण हुआ तो फिर मृतलोक में। प्रभु कदाचित हम च्युत हों स्वर्ग से तो हमें दुर्लभ मानव तन मिले। तो सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा, ये देव दुर्लभ तन है अनंत योनिये भोग भोगने के लिए। मानव तन एक ऐसा है, इस भव सिंधु से पार होने के लिए उपाय है। मानव तन ही सिंधु से पार होने के लिए घाट है। घाट उसे कहते हैं जहाँ यातायात का साधन हो, हम पार जा सके। गोस्वामी जी ने निर्णय दिया कि नरतन भव बारिद कहूँ बेरो, सन्मुख मरुते अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ न हुआ, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। मनुष्य शरीर भवसागर से पार होने के लिए एक जहाज है, मेरी अनुकूलता अनुकूल वायु है, सदगुरु कर्णधार हैं, केवट हैं, कैप्टन है, जहाज को ठीक उस पार लक्ष्य किनारे पहुंचाने में समर्थ है। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, ये साज दुर्लभ है। कौन सा? मानव तन, भगवान की अनुकूलता, सदगुरु की उपलब्धि। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, शोकृत निंदक मंद मति आत्माहन गति जाए। ऐसा दुर्लभ नर समाज प्राप्त करके जो भव सागर नहीं तर जाता, कृत निंदक करने से कतराता है, कल पर टालता है, मंद मति बुद्धि का बहुत हल्का है, आत्मा हन गति जाए और अपनी आत्मा का हत्यारा है। गोस्वामी जी कहते हैं भव पार करने के लिए ये तन एक जहाज है। कबीर कहता है ये भव सिंधु पार होने के लिए यही मानव तन ही एक घाट है। घाट उसे कहते हैं जहां उस आया जाया आने जाने का उपाय हो। भटकते भटकते घाट पर तो आ गए। अनंत योनियों का चक्कर मार के दुर्लभ मानव तन तो हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन शरीर है कच्चा घड़ा। पन घट पे गगरिया फूटल हो, ये तन कच्चा कुंभ है, लिए फिरे तू हाथ, धबका लगा फूट गया, बौरी ने देवे साथ। ये तन कच्चा घड़ा, कच्चा कुंभ, धबका लगा फूट गया, बौरी ने देवे साथ। दोबारे फिर ये कभी साथ नहीं देता, चाहे 20 साल में शरीर छूट गया हो। अरे बुढ़े तो मानो शरीर गल गया, सड़ गया, झुर्रियां पड़ गई, धबका लगा कि फूट गया। एक कच्चा कुंभ, कच्चा घड़ा, पानी का बुलबुला। इसलिए शरीर एक कच्चा घड़ा है। भटक कर घाट पर आगे दुर्लभ मानव तन पाया, जहां से उस पार जाने का उपाय है। मानव तन दुर्लभ है, किंतु पन घट पे गगरिया फूटल हो। क्या आपने फोड़ डाला जानबूझ के? कहते नहीं। कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो, ठगों ने हमारी नगरी को लूट लिया, हम धोखे में पड़ गए। भगवान के विषय में समझाने वाले कम मिले, संसार समझाने वाले ज़्यादा मिल गए। जन्मते ही मम्मी है, पापा हैं, मौसी है, बहन है, इतनी इतनी चड्डी, इतना इतना वो झंगा, उपहार में आगे 2-4-10 जोड़ी, फिर गोद में चले गए, फिर मम्मी, फिर खिलौने, फिर बाल संगी साथी, और जहाँ जवानी चढ़ी तो इनामिना डीका डेडामा डीखा, कुछ दिन उसमें चले गए, फिर लगे कमाने, हाँ फिर लड़के की नौकरी लग जाए तो, हाँ कन्या का विवाह हो जाए तो, गृहस्थी थोड़ी संवर जाए, बुढ़ोती है तो क्या फिर चलेंगे भजन करेंगे? इतने में आयु के दिन पूरे हो गए। जो हम 90 साल लेके आए थे विरासत में, आयु
अंतिम क्षण पर पहुंच गए जो इस शरीर की आयु का अंतिम क्षण है, और गगरिया फूट गई। हमने नहीं फोड़ा, धोखे ही धोखे में ये निपटा दें तो फिर देखेंगे, ये निपटा देंगे तो फिर देखेंगे। इतने में उस क्षण पर पहुंच गए जो जीवन का अंतिम क्षण, वो चाहता था बराबर, सदैव चाहता था, लेकिन इतना निपटाओ ये निपटाओ, इतने में गगरिया फूट गई। तोपन घट पे गगरिया फूटल हो कोनो, क्या आपने फोड़ा? कहते नहीं, धोखा हो गया। कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो, चंदन काठ कर बनल खटोलना, तापर दुल्हिन सूतल हो, पन घट पे गगरिया फूटल हो। चंदन काठ, गोस्वामी जी कहते हैं, काठ पुराण साज सब अटखट सहज तिकोन खटोला रे। इस शरीर एक तिकोन खटोलना है, बहुत पुरानी काठ लगा हुआ है, जन्म जन्मांतरों के संस्कारों की रील जुड़ी हुई है इसमें, पुरातन संस्कारों से गठित थे, पुराना काठ, साज सब अटखट, कहीं वासनाओं वाले साज भरे हैं तो कहीं अनुराग वाले साज भरे हैं, एक दूसरे के विरोधी, सहज तिकोन खटोला। और खटोलने तो सब फालतू, किंतु मानव तन चंदन काठ कर बनल खटोलना, ये चंदन काठ है मानव तन। गरुड़ को संदेह हो गया, भाग के गया तुरंत नारद के पास, देव ऋषि मेरा समाधान करें, अवतार हमने सुना पर भाव कुछ देखने को नहीं मिला। शूद्र निशाचर ने बांध दिया नागपांस में, दोनों भाई चारों कोने चित्त, कदाचित मैंने पहुंचा होता तो युद्ध का परिणाम जाने क्या होता। तो इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। इतना मन में आते ही गरुड़ जी को माया ने धर दबोचा, लेकिन भगवान की प्रेरणा से जो माया आती है वो नरक देने के लिए नहीं आती, वो निवारण करने के लिए आती उस रोग का। सो माया न दुखद मोहि काही, आन जीव वसंसृति नाही। वो माया अधोगति में फेंकने वाली नहीं थी, अन्य जीवों की तरह आवागमन में डालने वाली नहीं थी, वो हमारा मर्ज समाधान, हमारे संस्कारों को काट के राह पर लाने के लिए थी। नारद ने कहा, प्रभु मेरे पास उपाय नहीं है, इसी माया ने एक बार हमको पकड़ लिया था, एक जन्म बंदर का मुंह बना के मैं मारा मारा फिरा, कृपया यहाँ से जाइए विधाता के पास। विधाता ने विचार किया, हरि माया कर अमित प्रभावा, अमित बार जहि मोहि न चावा, अग जग मैं जग मम उप राजा, नहीं आचर्य मोह खग राजा। हरि माया का असीम प्रभाव है, असंख्य बार जिसने मुझे नचाया है, तो चराचर जगत मेरा जन्माया, यदि गरुड़ मोह में पड़ गया तो कौन बड़ी बात। गरुड़ मेरे पास इसका उपाय नहीं है, शिव के पास जाओ। शंकर जी ने देखा तो समझ गए कि इसका रोग कितना गहरा, कबहू के कीन हुई है अभिमाना, सुख होवे चाहे कृपा निदाना। बोले, गरुड़ बीच रास्ते मिले हो, तुमने तर्क कुतर्क बिड़ा के बड़ा लंबा संशय खड़ा कर लिया, जब कछुकाल करिए सत्संगा, तब हुई है तब संशय भंगा। जाओ कागभूषुंड आश्रम में, पक्षियों में चंडाल कौवा, पक्षी सम्राट गरुड़ और चरणों में नतमस्तक, अभिमान तो खत्म। जाते ही आश्रम में व्यवस्था देख के, शांति देख के, आधे संदेह दूर, वाणी सुनी तो सदा के लिए निर्मूल हो गए। तब अंत में कागभूषुंड ने कहा, मोरे मन प्रभु अश विश्वासा, रामते अधिक राम कर दासा, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। गरुड़ जी आपको कोई मोह हुआ ही नहीं था, मोह के बहाने आपको भेजकर प्रभु ने मुझे बढ़ाई दी है, आप सदैव मोह मुक्त हैं, हरि के बहाने है,
किंतु गरुड़ जी, मेरे मन में ऐसा विश्वास है राम से अधिक हैं राम के दास। क्यों? राम सिंधु घन सज्जन धीरा। राम एक अचल प्रतिष्ठा वाला समुद्र है, तो संत जन वर्षा ऋतु मानसून है, बादल है, मेघमाला है, यदि पानी न बरसे तो समुद्र किस काम का। अभी 10 साल पहले अकाल पड़ा था अफ्रीका में, 4 साल पानी नहीं बरसा एक स्थान पर, 10 लाख आदमी गवर्नमेंट के आंकड़ों में चल बसे, पेड़ों के छिलके उतर गए, पशु मर गए, पक्षी मर गए, वनस्पति मर गई, समुद्र तो लबालब भरा था, आधा इंच भी कम नहीं हुआ था, किस काम का। यदि मानसून ही न हो, मेघमाला न हो, तो भगवान, इसलिए भगवान अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र हैं, तो संत जन मेघमाला वर्ष कर, जब पानी बरसता है ना, जड़ चेतन स्थावर, सबको ऑक्सीजन, पेयजल, खाद्य सामग्री, खुशनामा जीवन सब मिल जाता है, वो न मिले तो सब शांत। तो भगवान की विभूति को फैलाने वाले संत, और चंदन तरुहरी संत समीरा, भगवान चंदन वृक्ष से हैं, संत समीर है। चंदन वृक्ष पृथ्वी के किसी टुकड़े से चिपका हुआ एक पेड़, खुशबू है उसमें, वो एक खुशबू है, भगवान एक खुशबू है, तो संत हैं समीर। चंदन वृक्ष का स्पर्श करके जहाँ तक समीर जाती है, वहाँ तक का वनस्पति जगत, वहाँ पर का साला वन प्रांत चंदन हो जाता है। यदि स्पर्श करके हवा न चले तो पास वाला पेड़ बबूर है तो बबूर ही रहेगा। तो भगवान की महिमा को फैलाने वाले, भगवान एक खुशबू है तो खुशबू को फैलाने वाले संत हैं। भगवान एक खुशबू हैं, इसलिए चंदन काठ कर बनल खटोलना। भगवान एक खुशबू है, ये साधारण शरीर नहीं, ये चंदन काठ है। भगवान की खुशबू भली प्रकार इसमें प्रवाहित है, भगवान की प्राप्ति का भली प्रकार इसमें जुगाड़ है, किंतु हमारी लगन सोई हुई है। तापर दुल्हिन सूतल हो पन घट पे गगरिया फूटल हो। परमात्मा चिंतन का नाम तो राम ही था, लेकिन कभी किसी ने पूछा हजरत क्या कर रहे हो? पिया को मना रहा हूँ, जिन्हें प्राप्त करने के साथ इस जीव की प्यास सदा के लिए मिट जाती है। साईं प्रियतम पति कहकर संबोधित किया, साईं माने मालिक होता है। चिंतन जपते रामी थे, आराध्य राम, बोले कर क्या रहे हो हजरत? तो बोले प्रियतम मोशन रूठल हो, जिनसे संबंध जुड़ जाने के बाद कभी विच्छो नहीं होता। प्रिय उत्तम से प्रियतम, प्रीति का सर्वोपरि माध्यम, मेरी पत राखो गिरधारी। पत माने होती है इज्जत, पत माने होती है मर्यादा। आज किसी की इज्जत चली गई, शादी विवाह में पराये देखने को मिलता है, मोटरसाइकिल देने के लिए कहा था गरीब नहीं दे पाया, तो समधी साहब की गर्दन लटक गई, इज्जत चली गई। और बरातियों को क्या, भव्य स्वागत हुआ था, सब खुश हैं, समधी की गर्दन लटक गई। और जहां मारुति पकड़ा दिया चार पहिया तो सीना तन गया, इज्जत लौट आई, चौगनी हो गई, शरीर छूट गया तो यहाँ की इज्जत यहीं चल रह गई। किंतु ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा का विशुद्ध अंश आत्मा अविनाशी है, काल से अतीत है, नहीं इसे शस्त्र काट सकते, न आग जला सकती है, न वायु सुखा सकता है, अपरिवर्तनशील। ऐसा विशुद्ध स्वरूप आपके हृदय में होते हुए भी बार बार गर्भवास की मलमूत से सनी हुई योनियों का भ्रमण इस दयनीय दशा से उबार कर जो शाश्वत है, अचल है, स्थिर है, उस स्वरूप को प्रदान करने में समर्थ हैं, तो भगवान
इस मर्यादित स्थिति को प्रदान करने की क्षमता तो एक परमात्मा में, वो पत रख देंगे इसलिए, पत को रखने वाले इसलिए पति कहकर संबोधित किया, ये प्रश्न अलग है फिर कभी। किंतु एक पतिव्रता नारी के लिए पति सब कुछ, एक साधक की लौ लगी तो उस लगन के लिए वो मिट जाएगा साधक। तन दे के मन दे के प्रेमास्पद को प्रसन्न देखना चाहता है प्रभु को, वो है लौ रूपी लड़की। चंदन काठ का खटोलना, प्रभु की उपलब्धि जो खुशबू है उसकी उपलब्धि का साधन शरीर, तो हम पाते क्यों नहीं? इसलिए कि हमारी लगन सोई हुई है। तो तापर दुल्हिन शूतल हो, पन घट पे गगरिया फूटल हो। अनंत योनिये भटकते भटकते कुकर सुकर पशु पक्षी और आगे दुर्लभ मानव तन भव सिंधु से पार होने के लिए यातायात साधन धाम, किंतु धोखे ही धोखे में गगरिया फूट गई, आयु के दिन पूरे हो गए। अगली लाइन में कहते हैं, तो हाड़ जरे जस लाकड़ी, बाल जले जैसे घास, सब जग जलता देख के भया कबीर उदास। जहां शरीर छूटा चिता पे रखा, पहली ही लपट में बाल साफ, लकड़ी हाड़ ऐसे जल गए जैसे सूखी लकड़ी, सब जग जलता देख के भया कबीर उदास। ये कहो कि गरीब जलता हो, राजा महाराजा धीराजा अरबपति सब उसी घाट। कल माननीय नरसिंहा राव भी चल बसे थे, सुना है कोई कह रहा था, सब जग जलता देख के भया कबीर उदास। कबीर उदास हो गया, इसका नाम है शमशान वैराग्य। प्राय घटना घटने पर उदास तो सभी होते हैं, किंतु दो दो चार दिन में फिर आश्वस्त हो जाते हैं। किंतु बुद्ध ने जब वो दृश्य देखा, लाश देखा, रोगी देखा, एक वृद्ध 100 साल के दद्दा को देखा, झुर्रियाँ पड़ी, हाथ कांप रहा था, बोले दद्दा ये हाथ क्यों कांप रहे हैं आप? बोले मैं बुढ़ा हो गया हूँ। बोले गर्दन क्यों हिला रहे हैं, ठीक से क्यों नहीं रहते? बोले बुढ़ा हो गया हूँ। तो बोले बब्बा ये बुढ़ा क्या है, मैं भी बुढ़ा हो जाऊँगा? बोले अवश्य, जो जन्मा है वृद्ध होगा और जो वृद्ध होगा अवश्य मरेगा। इतना सुनना था। बुद्ध घर आए, अर्धरात्रि को घर से निकल गए, बुद्ध बुद्ध हो गए, शमशान वैराग्य। थोड़ा थोड़ा सबको होता है, किंतु कबीर को इतना हुआ। सब जग जलता देख के, राजा महाराजा धीराजा रंक सब जगत को इसी घाट पर आते देखकर भया कबीर उदास। कबीर उदास हो गया, तो उठो, उदास होके लौटा नहीं, पुनः सैंपल नहीं हुआ, लग गया चिंतन में। तो उठो री सखी मोरी, मांग संवारो, प्रियतम मोसन रूशल हो, पन घट पे गगरिया फूटल हो। उठो उठो री सखी। आदि शंकराचार्य से शिष्यों ने पूछा, भगवान सृष्टि में शत्रु कौन है और मित्र कौन? तो कह शत्रुवे संति निजे इंद्रियाणी तानेव मित्राणी जीतानी, यानी इंद्रिय ही शत्रु है, निजे इंद्रियाणी अपनी इंद्रिय ही शत्रु है। यदि जीत ली जाए तो मित्र बनकर मित्रताम बरतती है, परम कल्याण करने वाली होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जिसके द्वारा मन से इंद्रियां जीती गई है उसके लिए उसी की आत्मा मित्र बनकर मित्रताम बरतती है, परम कल्याण करने वाली होती है, और जिसके द्वारा नहीं जीती गई उसके लिए उसी की आत्मा शत्रु है, शत्रुताम बरतती है, अधोगति और नीच योनियों में फेंकने वाली होती है। तो अपनी अनुकूल इंद्रियों से अनुरोध करता है कि और जागो, सदा जागरूक रहो, सदा सचेत रहो। उठो री सखी मोरी, मांग संवारो, मेरी मांग संवारो। सौभाग्य का प्रतीक है मांग सिंदूर,
लेकिन ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मांग है मानसिक प्रवृत्ति को संवारना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला जन मुझे प्राप्त कर लेता है, मुझे कपट छल छद्म नहीं सुहाता। मानसिक प्रवृत्ति को संवारो, क्यों कि प्रियतम मोसन रूशल हो, पन घट पे गगरिया फूटल हो। प्रियतम मोशन रूटल हो, प्रिय उत्तम से प्रियतम, जिससे एक बार संबंध जुड़ जाता तो कभी विच्छोड़ नहीं होता, मुक्ति देख के ही दम लेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं, सीमित फल रूपी दोष नहीं कि स्वर्ग वैकुंठ में रिद्धियों सिद्धियों में आपको भरमा के खड़ा कर दे। इसलिए स्वल्पम मपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, इस धर्म का स्वल्प अभ्यास महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। अर्जुन ने कहा, भगवान आपने बताया वायु रेत स्थान में रखे हुए दीपक की लौ सीधी जाती है, कंपन नहीं होता। अच्छी प्रकार योगी के जीते हुए चित्त की यही परिभाषा है। भगवान मन को तो मैं वायु से भी तेज चलने वाला समझता हूँ, इसका रुकना करीब करीब असंभव सा लगता है। शिथिल प्रयत्न वाला श्रद्धावान पुरुष आपको न प्राप्त होकर किस दुर्गति को प्राप्त होता है? कहीं छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता? छोटी बदली आकाश में आई, न पानी वर्षा ने लौट के मेघों से मिली, देखते ही देखते हवा के झोंकों से समाप्त। वो गरीब ने तो भोग भोग पाया, ने आप ही से मिल पाया, कहीं बेचारा नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता? भगवान ने कहा, अर्जुन पहले तो ये समझना आवश्यक है कि कर्म है किस प्रकार। समझकर जिससे थोड़ा भी अभ्यास पार लग गया उसका किसी जन्म में किसी काल में नाश नहीं होता, बल्कि स्वल्प अभ्यास के प्रभाव से हर जन्म में वो अभ्यास ही करता है, अनेक जन्मों के परिणाम में वो वहाँ पहुँच जाता है जिसका नाम परम धाम है, परमात्मा है। मैं अर्जुन मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, इसमें आरंभ का नाश नहीं है। इसलिए एक बार संबंध जुड़ गया तो फिर कभी उस माया में कोई बजरा पात्र नहीं उसको अलग कर दे। तो प्रियतम मोसन रूशल हो, प्रीति का जो सर्वोपरि माध्यम, जिनसे संबंध एक बार जुड़ने के बाद कभी विच्छो नहीं होता और लक्ष्य पर पहुंचाई के दम लेता है, वो प्रभु हमसे रूठेंगे। खुश होंगे मानसिक प्रवृत्ति को संवार के। कबीर ने एक दृश्य और देखा, चलती चकिया देख के। कबीर के सामने एक दुविधा खड़ी हो गई कि माया वाला ठीक रहेगा कि ब्रह्म भगवान ठीक रहेंगे। तो चलती चकिया देख के दिहा कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबित बचन कोय। चल चक्की देखा कबीर ने, एक तरफ ब्रह्म और एक तरफ माया, एक तरफ विद्या और दूसरी तरफ अविद्या। भगवान सत्य है कि माया ही सत्य है? क्या बढ़िया प्रैक्टिस चल रही है, कितने इज्जत है, कितनी प्रतिष्ठा, यही ठीक हो सकता है। फिर नहीं नहीं भैया, कल फलाने चले गए, कल हमारा भी नंबर लग सकता है, भगवान सही होंगे। इन दो पाटलों के बीच में, इस उहापोह में समय बीतने लगा। साबित बचन कोई, सर्वथा नष्ट तो नहीं हो सकता। कारण ममैवांसो जीव लोके जीव भूते सनातने, अर्जुन मेरा विशुद्ध अंश है ये पुरुष, उतना ही पावन जितना भगवान अंश रूप में है, सनातन है, नष्ट तो नहीं हो सकता। लेकिन साबित बचन कोय, अध कुचला अवश्य हो गया। कभी इधर दुविधा में, कभी उधर, तो दो पाटन के बीच में साबित बचन कोय, इतने में समय कट गया। आए यमराज पलंग चढ़ी बैठे,
चौदिसे दूं दूं उठल हो। इतने में यमराज आए, पलंग चढ़ के बैठ गए, दवाइयाँ लगी है, चोटी के 10 डॉक्टर खड़े हैं और का पंक्ति बद फौज भी खड़ी, बाजू में रक्षक भी खड़े हैं, आसपास जोधा खड़े, सब ही बजावे गाल, मंज महल से ले चला ऐसन काल कराल। योद्धाओं की कतार सभी बजावे गाल कि राजन चिंता न करे, हम यमराज का मुंह मोड़ देंगे। डींगे तो बहुत हाँक रहे थे, मंज महल से ले चला, बिल्कुल सुरक्षित स्थान से ले चला ऐसन काल कराल। तो आए यमराज पलंग चढ़ी बैठे, चौदिसी धूं धूं उठल हो। चारों तरफ धूं धूं उठने लगा, अखियां से अश्वा टूटल हो, अश्रुपात होने लगे, सब कोई बस नहीं चला, या जला दो फूंक दो गाड़ दो या चिलकौए खा ले, मिट्टी तो मिट्टी। अंत में कहाँ तक लोग साथ देते हैं, घर द्वारे तक औरत जई हैं, कर्म कांड तक सग भाई, लोग कुटुंब मर घट लो जई हैं, हंस अकेला जाई। औरत बहुत जोर भरेगी तो घर के दरवाजे पर, हाय हमारा हाथी, हाय हमारा देवता, हमें छोड़ के क्यों चले गए, पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई, क्या प्रभु हमारा सुहाग आपसे नहीं देखते बना। अधिक से अधिक विलाप घर दरवाजे तक, औरत जई हैं कर्म कांड तक सग भाई, सगा भाई कर्म कांड कर लेगा, दो चार वर्षी का निर्वाह भी कर देगा भैया की, और लोग कुटुंब मर घटलो जई हैं, शमशान तक साथ गए। बोले भैया हमारे तो पक्के मित्र थे, सतपुरुष थे, घर में रहते थे तो क्या साधुई थे, और नरसिंहा राव जी को कैसी श्रद्धांजलि बढ़िया बढ़िया देते हैं, जिंदे थे तो सब झगड़ते थे, अब कैसा मधुर बोलते हैं क्या है ये। एक स्तंभ टूट गया, हमारे इलाहाबाद का एक स्तंभ था, राजनीति के वो बिंदु थे, श्रद्धांजलि दिया लौट आए, और आधी श्रद्धांजलि फर्जी होती है। एक लड़का बड़ा हंसलौन था, 8-9 साल उम्र थी, लेकिन इतना हंसलौन था कि किसी सभा में पहुंच जा लोगों को हंसी आ जाए, वो मुद्रा ही भगवान ने ऐसी बना दी। एक दिन एक बहुत बड़े आदमी का शरीर छूट गया, भीड़ जाने लगी उनके शमशान की ओर, तब बोले पिताजी मैं भी चलूँगा। बोले देख तू मत चल, तू हंसा देगा, आज शोक मनाने का दिन है। तो बोले पिताजी शोक कैसे मनाया जाता है। बोले देख मूड़ी लटकाया जाता है, उदास होके एकदम खिन्न होके मूड़ी लटकाना पड़ता, तुमसे नहीं बनेगा। बोले मैं जरूर चलूंगा, जरूर देखूंगा, मैं भी शोक मनाऊंगा। लाश जल रही थी, सब शांत उदास बैठे थे, इतने में उस बच्चे को याद आ गया, अरे पापा ने कहा कि शोक मनाना होता मूड़ी लटका के। लगा आस्ते आस्ते मूड़ी लटकाने, पिताजी की निगाह पड़ी तो सोचे कि या ससुरा उपद्रव, वो दूसरी तरफ देखने लगे। जब मूड़ी जमीन से 4-5 उंगल ऊपर रह गई तब ताकार बोला अरे बाबू यहाँ देख, वहाँ न देख, यहाँ देख, शोक मनाए भले भरे का मुंह लटक गया के और लटकाऊं। सब हंस दिए, दो चार को वास्तविक शोक था, बस वो भर बचे सब हंस दिए। बनावटीपना, लोग कुटुंब मर घटलो जई हैं, श्रद्धांजलि दिया, हाथी थे, साथी थे, भैया थे, उन्हीं के बल पर गृहस्थी थी, हंस अकेला जाइए। तो इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ने जग का झमेला रहेगा। इसके आगे तो भजन ही एक आपका साथी है, संबल है, यदि वो नहीं अन्यथा आप बिल्कुल अकेले हैं, असहाय हैं,
भजन अनिवार्य है। भजन के नाम पर जब भजन के सब काम के लिए हमारे पास समय है, भजन का कहो तो समय ही नहीं। एक सेठ जी थे बहुत बड़े, अरबों का कारोबार, सेठाइन बड़ी धर्मात्मा, बोले सेठ जी आप दिन भर इसमें उसमें लगे रहते हैं, कभी कलकत्ता फ़ोन करो, बम्बई फ़ोन करो, यूरोप फ़ोन करो, आप थोड़ा भजन कीजिए, प्रभु का सुमरण कीजिए, आपके पास कोई कमी नहीं। बोले अरे रुक जा, थोड़ा कारोबार को और इस्टेब्लिश कर लेने दे, आगे बढ़ा लेने दे, हाँ अभी घणों ही जीणों हैं, फिर कर लेंगे, अभी बहुत जिंदगी पड़ी कर लेंगे। 55 साल की अवस्था में वो बीमार पड़ गए। तब इतने बड़े सेठ, तमाम लोग आए, तमाम डॉक्टर आ गए 8-10, सब ने मीटिंग किया, एक नुस्खा बना दिया दवाई का और चले गए। सेठ पड़े पड़े कांप रहे थे, सोचा सेठानी घबराई होगी, मंगाती होगी दवाई। पूछा क्यों सेठानी जी, दवाई बोले लेने भेज दिया है। आधा घंटा बाद सेठ ने पूछा अरे दवाई, बोले आ गई है। तो सेठ ने सोचा वो देने के लिए उपक्रम करती होगी। फिर आधा घंटा बीत गया तो बोले अरे दवाई दिया नहीं, बोले दवाई रखी है का भागी जाते, मिल जाएगी। तो बोले अरे मैं मर जाऊंगा तब मिल जाएगी। तो बोले जब भजन के लिए कहते हैं तो कहते हो अभी घणों ही जीणों है, बाज ही मरे जा रहे हो। तो बोले अरे भाग्यवान दवाई तो दे, आज से हम भजने करें। करारी चोट मौत के मुहाने पर आदमी पहुंचता तो उसको समझ भी आ जाता है अब मैं कदाचित हाय हाय न करके चिंतन करूं। उस दिन से वो चिंतन में लग गए। तो बड़ी बाधा है, कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो, तो पन घट पे गगरिया फूटल हो। बांदा जिला में सती अंशिया आश्रम चित्रकूट में हम करीब 12 साल वहाँ रहे। वहाँ पानी नहीं था, हैंडपम्प कुएं कुछ नहीं, एक तालाब था राजा तालाब, आश्रम से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर। वहाँ की माई लोग घड़ा लेके इसी मंदाकिनी गंगा में घाट पर पानी भरने आवे, करीब 6-8 किलोमीटर पड़ जाए, पैदल आवे, 2 घड़ा सिर पे रख के 1 लोटा रख के फिर पैदल जाए, तब परिवार को पानी पिलावे। एक दिन माई ने जब घड़ा डाला पानी में, पथरीली नदी छू गया, ठनक लग गई, घड़ा फूट गया और रोने लगी, गगरी ने फूटे बलुक मानुस मर जाए और ये भंवरा का पानी गजब कर जाए। अब 8 किलोमीटर पैदल जाओ, घड़े का प्रबंध करो, फिर लौट के आओ, पानी लो और फिर जाओ। असह वेदना हुई उसकी। ये वेदना सुन के राजा ने सुन लिया तो एक तालाब जरूर खुदवाया लेकिन अभाव बना रह गया। तो घाट पे जाके गगरी फूट जाए, वस्तु हाथ में आई और निकल जाए, लाख रुपया हाथ में आते आते खिसक जाए, मंत्री पद मिलते मिलते न मिले तो बड़ा दुख होता है ना। तो पन घट पे गगरिया फूटल हो,